फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। व्लॉग अब्रॉड चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज दिन है फ्राइडे, तारीख है 30 जुलाई, और आज सुबह से मैं अपना व्लॉग शूट करना स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि फ्राइडे स्पेशल ब्रेकफास्ट मैं बनाती हूँ, या कह लीजिए ब्रंच, क्योंकि उठते ही लेट हैं, तो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जो खाना खाते हैं, जिसका भी नया ट्रेंडी वर्ड आया है ब्रंच, वही मैं बनाने जा रही हूँ। और मैं आज बनाने जा रही हूँ मिस्सा पराठा, या हम मिस्सी पराठा बोलते हैं उसको, तो वही बनाने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ और ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। तो आइए देख लेते हैं मिस्सी पराठे की स्टफिंग बनाने के लिए मैंने किन सारी चीजों की यूज किया है। चलिए, ये स्टफिंग में पहले मैंने बघार लगाया है सौंफ, जीरा, सरसों, तिली और हरा धनिया का, लाइक तेल में ये सारी चीजें डाली, और हींग। फिर उसमें डाला है बेसन, लाल मिर्ची, आमचूर, हल्दी और गरम मसाला, और इसको अच्छे से सेक लिया है। बिल्कुल भी कच्चा नहीं रह गया है ये, तो इसको अच्छे से सेक लेना है और फिर सिंपल पराठे की तरह इसको बना लेना है। तो बस पराठे बनाने के पहले मैं चाय बनाना स्टार्ट कर देती हूँ, चाय रख देती हूँ, जब तक चाय बनती है पराठे भी रेडी हो जाएंगे। अभी मेरा चाय का मसाला भी खत्म हो गया है, तो मैं अभी सिंपल अदरक, इलायची और लौंग डालूंगी चाय में। चाय का मसाला बनाना है मुझे, बनाऊंगी किसी दिन। फॉर अ चेंज मुझे अदरक की चाय भी बहुत पसंद है। मैंने अभी ये, हम तो इसको किसनी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में बताइएगा। मैंने अभी किसनी यूज़ की अदरक किसने के लिए, और फिर उसको तुरंत धोकर वापस रख ली। इससे क्या होता है ना, बर्तन की जो शाइन होती है ना, वो भी ख़त्म नहीं होती है, उस पर कोई दाग नहीं पड़ते हैं, और आप जब बर्तन धोते तब आपको ज़्यादा बर्तन भी नहीं धोने पड़ते, क्योंकि आप साथ के साथ बर्तन धोते जाते ना। तो बस अब चाय बनना, उबलना तो स्टार्ट हो जाएगी, तब तक मैं पराठे बेलकर रेडी कर लेती हूँ। हर स्टफिंग वाले पराठे की तरह आपने लोई लेनी है, उसे थोड़ा बढ़ा लेना है और उसमें ये मसाला डालना है, जितना आपको सही लगे। किसी को, जैसे मेरे हस्बैंड को पराठे, ये वाले पराठे में थोड़ा कम मसाला अच्छा लगता है, मुझे थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है कचौरी की तरह, तो डिपेंड करता है आप कैसे बनाना चाहते हैं। बस अच्छे से सील कर लीजिए और वापस से इस पे, हम तो परथन बोलते हैं, जो ड्राई आटा लगाते हैं ना रोटी बेलने के पहले, हम उसे परथन बोलते हैं, तो परथन लगा लीजिए और फिर इसे बेल लीजिए। आप इसे घी में भी सेक सकते हैं, पर मुझे, मैंने घी वाला भी ट्राई किया है और तेल वाला भी, मुझे ना तेल में सिका हुआ ये वाला पराठा ज्यादा टेस्टी लगता है, तो मैं इसे तेल में सेकूंगी। Thank you.
अब पराठे में तेल लगा लेना है और अच्छे से उसको सेकना है ताकि ऐसे फूल जाए पराठा, ना भी फूले फिर भी उसमें क्रंची टेक्सचर आ जाएगा, पर अगर आप ऐसे दबा दबा कर सेकेंगे उसे तो ज़्यादा अच्छे से सिकेगा। इसमें मैंने तेल डाल दिया है ऑलरेडी सेकने के लिए, बस अब इसको अच्छे से सेक लेना है दबाकर ताकि इसमें एक क्रंची टेक्सचर आ जाए। और बस हमारा मिस्सा पराठा रेडी है। बस ऐसे ही फिर मैं सारे पराठे रेडी कर लूंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोलते कि नहीं साथ में ही नाश्ता करते हैं, क्योंकि बाकी वीक डेज जब वो ऑफिस जाते हैं तो तब तो इतनी मॉर्निंग में नाश्ता करने का मेरे पास टाइम नहीं होता है, क्योंकि मैं लंच और ब्रेकफास्ट बनाकर उनको देती हूँ। तो फ्राइडे को वो बोलते कि नहीं नाश्ता साथ में ही करते हैं, तो बस मैं सारे पराठे रेडी कर रही हूँ ताकि हम साथ में नाश्ता कर पाएँ। और अच्छा भी लगता है क्योंकि छुट्टी का दिन है तो कम से कम टाइम स्पेंड एक अच्छे से होता है। तो बस वही मैं जल्दी जल्दी सारा अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ ताकि फिर हम आराम से नाश्ता करें। बस नाश्ता रेडी हो गया है तो मैं अब इसको हॉल में लेकर जा रही हूँ ताकि हम स्टार्ट कर सकें खाना। और काफ़ी सारी चीज़ें लगती हैं साथ साथ में, जैसे कि चाय और केचप ये सब, तो वही सब लेने के लिए मेरे चक्कर लग रहे हैं किचन से हॉल के। ये है हमारा आज का ब्रंच, मिस्सी पराठा, चाय और अचार और सॉस। मेरे हस्बैंड को अचार खाना पसंद नहीं है, वो केचप के साथ हर चीज़ खाते हैं। ब्रंच हमारा हो गया है और बहुत टेस्टी बने थे वो पराठे, तो आप लोग भी ज़रूर बनाकर एक बार देखिएगा। तो बस मैं अभी सफाइयाँ करूँगी घर की भी और किचन की भी। तो हमारा घूमने का कोई प्रोग्राम बना नहीं है कि कहाँ जाएंगे, तो अगर कहीं बाहर जाते हैं तो आप लोगों को तो पता चल ही जाएगा क्योंकि मैं वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। पर हमने आई थिंक वेंसडे को अपने कार की जो टिंटिंग कराई थी ना उस शॉप में गए थे, उन्होंने बहुत अच्छे से हमारे कार की टिंटिंग की है। तो जो लोग दुबई शारजा अजमान से मेरा वीडियो देखते हैं, अगर आप लोगों को भी अपनी कार की टिंटिंग या कार का रिलेटेड कोई भी काम कराना है तो आप उस शॉप में जाकर अपना काम करवा सकते हैं। जो वीडियो मैंने आगे ऐड किया है वो ज़रूर देखिएगा, बहुत यूज़फुल है और एकदम इकोनॉमिक, बहुत ही रिजनेबल रेट में उन्होंने हमारे कार का टिंटिंग भी किया। और एक और वो जो डैशबोर्ड के ऊपर कुछ लगवाते हैं ना, उसका नाम क्या होता है एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, तो आप लोग वीडियो में देख लीजिए तो आप लोगों को पता चल जाएगा। Getting through all the bad times with you, I wasn't missing a thing, no I do. And I wish that I could put a time machine, 'cause time moves on and now you're gone. तो हम वो शॉप के पास आ गए हैं। ये जो एरिया है ये मुबैला कहलाता है, तो यहाँ पर ये पेंटिंग वगैरह का काम करते हैं।
तो ये बहुत अच्छे से किया था इन्होंने हमारा काम। तो मैंने सोचा जब किसी ने अच्छा काम किया है तो वो आप लोगों को दिखाना भी चाहिए। और मेरे हस्बैंड उसको बताते जा रहे हैं कि जहाँ पे अगर बबल कोई है तो वो उनको ठीक भी कर रहे हैं तुरंत के तुरंत, क्योंकि ये होता है ना अगर वो बबल रह गया फिर पूरी टिंटिंग ख़राब हो जाएगी, तो उससे बेहतर है तुरंत देख कर समझा दो उनको। और फिर जो सामने डैशबोर्ड पर हम लगवाया है ना उसको देखने के लिए मैं हस्बैंड बोलते कि शॉप के अंदर जाकर देखो, तो फिर मैंने अंदर देखा कि बहुत सारी कार की एक्सेसरीज है वहाँ पर, सीट कवर्स लाइक जो भी एक्सेसरी लगती कार में सारी कुछ अवेलेबल थी और बहुत ही रिजनेबल रेट है उनका, तो इसलिए मैंने ये थोड़ा शूट कर लिया था। ये देखिए ये जो डैशबोर्ड है ना इसके ऊपर, यहाँ पे धूप बहुत होती है तो डैशबोर्ड के अंदर ही एसी का यूनिट होता है, तो वो भी गर्मी की वजह से फिर ठंडी लाइक कूलिंग करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हम ये लगवा रहे हैं यहाँ पर ताकि ज़्यादा गर्म ना हो और फिर कूलिंग जल्दी हो कार की। तो वो जो भैया हैं वो नाप ले रहे हैं पूरा वहाँ पर, और उन्हें बहुत जल्दी आई थिंक 15-20 मिनट के अंदर ही हमें ये सब पूरा बनाकर दे दिया था। हर चीज़ को कितना कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं ना। और वो देखिए उन्होंने लाइक एसी के वेंट्स के लिए छेद बनाने थे उस कवर पे, तो बस सिंपली ऐसे हैमर से हिट करते थे एक जो इक्विपमेंट था उसको, तो बिल्कुल राउंड छेद वहाँ पर बन जाता था, मतलब विदाउट मशीनरी भी परफेक्ट काम करते हैं लोग। बस फिर इसको उनका बंद तो 15-20 मिनट में ही गया था, फिर सेट करने में टाइम लगा क्योंकि बहुत अच्छे से उन्होंने सेट कर दिया। मैं कार का बिफोर एंड आफ्टर लुक भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं आशा करती हूँ मेरी आज की रेसिपी और वीडियो आप लोगों को जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, मासलामा।